देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 साल की आयु में निधन हो गया। राजनीतिक भेदभाव से परे हमेशा देश हित की सोच रखने वाले प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके लिए वह हमेशा लोगों की स्मृति में बने रहेंगे और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। राष्ट्रपति रहते हुए मुखर्जी ने आतंकवादी अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन को फांसी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुंबई 26/11 आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब, संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु और 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर तुरंत मुहर लगाई थी। कसाब को 2012 में, अफजल को 2013 में, याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई थी। राष्ट्रपति पद पर पूरे कार्यकाल के दौरान मुखर्जी के पास करीब 37 क्षमा याचिका आई थी। इसमें से अधिकतर में उन्होंने अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। कार्यालय की समाप्ति के दौरान उनके पास दुष्कर्म के 2 मामलों में क्षमा याचिका आई थी, लेकिन इस मामलों में उन्होंने क्षमा देने से साफ इनकार कर दिया था। इसमें से एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का था तो दूसरा महाराष्ट्र के पुणे का था। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए 4 लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था। उनके इस फैसले को अब भी साहसी निर्णय माना जाता है। साल 1992 में बिहार के अगड़ी जाति के लोगों की हत्या के मामले में 4 लोग दोषी पाए गए थे। साल 2017 में इस मामले में नए साल के मौके पर इस मामले में फांसी की सजा प्राप्त कृष्ण मोची, नन्हेलाल मोची, वीर कुमार पासवान और धर्मेंद्र सिंह की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करने का फैसला लिया था। इस खबर में इतना ही। आगे देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।